अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। वो संदीप और पिंकी फरार की सक्सेस पार्टी कहाँ हो रही है? यहाँ हो रही है। हाय एंड वेलकम डायरेक्टर राइटर दिवाकर बैनर्जी, राइटर वरुण ग्रोवर, एक्टर्स यानी कि संदीप और पिंकी, दैट्स परिणीति चोपड़ा एंड अर्जुन कपूर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका बुलाने का। थैंक यू कि आपने हमें बुलाया ये सक्सेस पार्टी पे। क्या दैट्स व्हाट आई एम गोना कॉल इट। शुरुआत में करना चाहूंगी ऑफ कोर्स दबाकर आपके साथ। ये एक चेस फिल्म हो सकती थी लेकिन आपने इसे चेस फिल्म रहने नहीं दिया, तो आई वांट टू आस्क यू, ये एक चेस फिल्म थी पहले या फिर पेट्रियार्की या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को एक लात थी पहले? अब आपके मन में पहले ये मुझे बताइए। This is the first time we'll also be able to get answers. Yeah. अच्छा। Rohini is actually asking our questions also. Yeah. Elusive deep with us. बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत। No, I mean it's that वो वाला joke है ना कि वो एक शिकारी जा रहा था तो उसको जंगल में मुर्गा देखा, उसने बंदूक उठाई और उसने गोली मारी। अभी गोली मुर्गा। So that's the thing. I mean, वो toxic masculinity के बारे में भी थी और नहीं भी थी, and it was a chase also, it was कुछ और also, it was it just various targets kept fighting. That's all. I mean, कुछ ऐसा कुछ धां से कुछ पटाखा नहीं आया, and I think this question should be asked to Varun because I had come to Varun with unsorted mess of ideas and thoughts. Yeah. And Varun had to, you know, nanny the project through to begin with, to even get into it. So Varun's take is extremely important. मेरे ख्याल से आज के हिंदुस्तान की कोई भी कहानी बिना पेट्रियार्की, बिना टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बिना बताना मुश्किल। If you go into any story of today, which is real, which is about real people and which is about class divide also in our case, वो अपने आप आएंगे वो आइडियाज। इट्स जस्ट दैट विद मी एंड दिवाकर वी डोंट रेजिस्ट दोज आइडियाज। देयर आर पीपल सेइंग द नेचुरल प्रोसेसेस उसमें आएंगे, अननेचुरल है जहां पे आपको आइडियाज निकाल के हटाने पड़ेंगे फिल्म से कि ये मैं अपनी फिल्म में नहीं दिखाऊंगा, मैं अपनी फिल्म थोड़ी लाइट या थोड़ी इजी या थोड़ी एक्सेसिबल या व्हाटएवर थोड़ी नॉन ऑफेंसिव बनाना चाहता हूं। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो ज्यादा मेहनत का काम है, ये कम मेहनत का काम है जो हमने किया। हाँ, बहुत सारे आइडियाज थे एंड देयर वर मेनी मेनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम, सो वी हैड वन बेसिक आइडिया व्हिच वाज अबाउट अ चेस फिल्म, पर उसके साथ साथ बिकॉज इट वाज अबाउट एंड वी वर वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग दैट दिस इज अ फिल्म अबाउट टू पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, उनके वर्ल्ड व्यू बहुत अच्छे हैं, उनकी जिंदगी बहुत अलग अलग रास्तों से आई है और एक जगह पे दोनों मिल गए हैं। तो अब एक जो नेचुरल प्रोसेस होता है, थिंक ऑफ इट एज अ वेरी टिपिकल हिंदी फिल्म की दो अजीब लोग मिले और फिर उनमें प्यार हो गया। हम जानते थे कि हमको प्यार नहीं करवाना है लेकिन हमको उनके बीच क्या क्या कॉमन है वो भी उनको दिख जाए और उनके बीच क्या क्या फर्क है वो भी दिख जाए, बस ये प्रोसेस है हमारा, कोर ये था। उसके साथ जो बाकी चीजें होती है, दिवाकर केप्ट सेइंग लाइफ happens to them, so life kept happening to them while they kept discovering each other and discovering themselves through each other. So ye hamara pura process tha, ek tarah ka matlab idea hai. Fantastic. We'll take this to you Pari, kyunki bahut sare, acha jab main film dekh rahi thi to mujhe honestly bahut gussa aaya kyunki aise situations mujhe matlab har roz face karne padte hain. Aaj bhi ek bande ne mujhe 5 baje phone kiya bina mujhe puche. It doesn't matter कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, कितनी सीनियर हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, 5 बजे वो फोन मुझे करता है क्योंकि you know, he assumes कि मैं तो फ्री बैठी हूँ। तो मुझे प्लीज बताइए कि कितना गुस्सा आया और कौन से सीन में ये गुस्सा निकालने का मौका मिला। You know, एक बहुत ही जीनियस पीस ऑफ राइटिंग संदीप और पिंकी फरार में है, जो ये जो हम पेट्रियार्की और ये वुमेन एम्पावरमेंट और ये सब चीजें हम लोग जो यूज एंड अब्यूज कर चुके हैं, अब टर्म्स पीपल हैव बिकम सो इम्यून टू इट कि वो सोचते भी नहीं है कि व्हाट आर वी एक्चुअली सेइंग। एंड एज गर्ल्स
लाइक यू जस्ट सेड, हम लोग रोज ये फेस करते हैं और ये मोस्टली इंडिया में हम लोग फेस करते हैं अनफॉर्चुनेटली. जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत बुरा एग्जाम्पल है, बट मैं अगर मेरे घर के इंटीरियर्स कर रही हूँ, सपोजिंग अगर मैं कर रही हूँ वर्सेस अर्जुन कर रहा है, सपोजिंग आई नो मेरे घर के कॉन्ट्रैक्टर्स भी मुझसे बात नहीं करते ठीक से, क्योंकि उनको लगता है ये तो लड़की है, आपके घर में कोई है जिनसे हम बात कर सकते हैं, यू नो व्हाट आई मीन. एंड आई विल से नहीं, ये घर मैंने ही खरीदा है, ये मेरा घर है, इसकी पेमेंट्स मैं कर रही हूँ, तो टाइल मैं चूज करूंगी. But they will not even let you choose a tile because they will say, अच्छा किससे बात करें, तो मैं बोलूंगी मुझसे बात कीजिए, और वो होता नहीं है. इस फिल्म में और मेरी खुद की जिंदगी में ये बहुत एक मेल मिलाप है. लॉट ऑफ गर्ल्स हैव मैसेज्ड मी सेइंग, मैन थैंक गॉड यू डिड दिस, बिकॉज थैंक गॉड यू प्लेड दिस रोल, बिकॉज वी फेस दिस एवरी डे. So there is a very, very, very favorite scene of mine in the film. Of course, the paratha and the achar scene, and you know the scene where all the men are sitting and the women are standing, and Neena ji also, because she is also so now used to this patriarchal thing, she will never tell Arjun ki Arjun zara achar pass karna. Wo bolegi beta achar to puch lo. Aise kaise ki tum baith rahi ho seat pe bina achar puche. That scene, even while doing, I was reminded of the small town that I grew up in, where women are not allowed to eat till the men sleep, you know, while the men are sitting at the table eating. My mom was not allowed to sit down, and you know, I'm not saying my father did that, but that was just an unspoken thing in the house. So it's not about a favorite scene. This film, for me, the most important thing is this marriage between Sandy and Pariniti, real life and real life, about how I can actually say, let's smash the patriarchy. Yeah. And not that we made the film to smash patriarchy, not at all. That is the subtleness of the writing, that we're just trying to say, this is how accepted patriarchy is in India. And I wish it would change. You know, she says, boss, yes, ये मैंने किया है इस फिल्म में, जो सब प्रॉब्लम चल रहा है ये मैंने किया है, ये सब रूल्स मैंने बनाए हैं. तो डोंट गो ऑटोमेटिकली टू अर्जुन कैरेक्टर जस्ट बिकॉज ही इज मेल, यू नो. इट्स जस्ट सो ब्रिलियंट दैट लाइक वरुण सेड कि एक्चुअली आई विश हम लोग सच ही बोल पाते फिल्म्स में, क्योंकि वो ज्यादा आसान है. जब हम उसको नहीं बोल पाते ना, सब तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि ये दिखाते हैं ये सही चीज है ये गलत चीज है. आई जस्ट विश हम लोग सच बोल पाते, और यही सच है इंडिया का जो इस फिल्म में दिखाया गया है. बिल्कुल. मुझे इस फिल्म के बारे में एक चीज याद आई मेरे बचपन की, देयर इज अ चॉकलेट द किंडर जॉय, अगर आपको याद होगा. यू नो, अगर आपको सच्ची में किंडर जॉय चाहिए, तो मतलब इफ यू लुक इन देन देयर इज अ प्रेजेंट वेटिंग फॉर यू. तो जिनको बाहर की चॉकलेट खाकर यू नो इसे चेस फिल्म मानना है, दे कैन डू दैट, यू नो. सो इट वर्क्स ऑन टू लेवल्स फॉर मी. आई वांट टू टेक दिस टू अर्जुन एट दिस पॉइंट. अर्जुन, आई रिमेम्बर अनु के इंटरव्यू में आपने कहा था कि तोड़ा है आपको एज एन एक्टर दिवाकर ने, यू नो, लेकिन तोड़ना यू नो मुश्किल हो सकता है अगर आप टूटना नहीं चाहे. एंड यू आल्सो सेड कि ये फिल्म आपके बारे में नहीं है, तो फिर यू नो व्हाट वाज द मोटिवेशन? वाज इट जस्ट दिवाकर बैनर्जी के साथ काम करना है, या ये कहानी, या टीमिंग अप विद परी? इतने सारे रीजंस हो सकते हैं, प्लीज हमें बताएं. देखिए, हर चीज का मिश्रण है. मैं ये नहीं कह सकता कि एक चीज है, डेफिनेटली नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट चीज है टू टॉक अबाउट इट, बट उस समय मुझे एक चीज बहुत पसंद थी जो दिवाकर सर ने मुझे कही थी. सी, टू बी ऑनेस्ट, परिणीति इज ग्रोन अप इन अ डिफरेंट पार्ट, शी इज ग्रोन अप इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट. आई हैव ग्रोन अप इन, मेरी दुनिया थोड़ी सी लिबरल है. मैं सिंगल मदर के साथ, अपनी बहन के साथ, द वे आई परसीव वुमेन इज वेरी डिफरेंट, द वे आई परसीव मटीरियल बिकॉज आई रिस्पेक्ट वुमेन इन अ सर्टेन वे इज डिफरेंट. तो कहीं ना मैं जब काम करता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि लोग कैसे सोचते हैं, मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करेक्ट लगता है. जब मैं संदीप और पिंकी सुन रहा था, और आई गॉट वेरी लकी, आई गॉट टू स्पीक टू दिवाकर बैनर्जी व्हाइल ही वाज नरेटिंग इट, सो आई अंडरस्टूड व्हाट ही वांटेड टू मेक. ही टोल्ड मी वन वेरी सिंपल लाइन, ही सेड ना, ये भारत और इंडिया की कहानी है, एंड दैट्स प्रीटी मच व्हाट द फिल्म इज. एंड आई एम नॉट भारत, आई एम इंडिया. बिल्कुल. But I would want to understand what Bharat goes through. And I felt excited about the fact that I'm going to go with a person, ek director aise hai, jo ye Bharat aur India ke beech mein jo kashmakash hai, the Sandy is India. She wants to move ahead and she wants to make it in a man's world. And ye ladka jo hai, ye Bharat kahin na kahin, ye bas phasa hua hai abhi. But the way you might look at it is different. Ki Sandy stuck in Bharat. And this guy is India. The film has so much to tell you from different perspectives. So I caught on to only one thing, ki yaar ye film alag alag tarikon se perceive ki ja sakti hai. Isme bahut sari cheeze hain.
और मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी इस बात की कि कोई एक डायरेक्टर मिला है जो मुझे पहले दिन से बोल रहा है कि तुम मेरे हिसाब से तुम्हें बहुत मुश्किल आएगी ये रोल करने में, लेकिन मुझे ये चैलेंज मंजूर है. आई गॉट एक्साइटेड अबाउट दैट एंड देयर आई से आई गॉट हॉर्नी टू वर्क विद द मैन हु वाज रेडी टू ब्रेक मी टू दैट एक्सटेंट. मेरे कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा लिखे गए थे कि मैं 3 महीने बिताऊंगा दिवाकर बैनर्जी के साथ. और मुझे पहले ही दिन मैंने इनसे एक सवाल पूछा था, आई डोंट नो दिवाकर सर रिमेंबर्स, आई आस्क्ड हिम यू आर गोना आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट माय लाइफ, डू यू रियली केयर सो मच अबाउट मी. He said, you know, Arjun, it's possible that I might never call you after I'm done with this film. Yeah. But yeah. I need Pinky, yaar. Mujhe Pinky chahiye. Aur mujhe tere mein Pinky dikhta hai. Tere andar chupa hai. Tere andar ek Pinky hai. Tere andar wo sab kuch hai. Aur main wo dhoond ke rahunga. Aur main dhoondna chahata hoon. Mujhe wo process mein maza aayega. Yeah. So, yeah. From a guy living in Juhu, Lokhandwala, Warsowa, I can't even say कि मुझे अंबाला की जो लड़की है परिणीति उसकी दुनिया पता है, या मुझे पिथौरागढ़ में, मैं पिथौरागढ़ कभी देख नहीं पाता यार अगर दिवाकर बैनर्जी मुझे नहीं लेके जाता. और पिथौरागढ़ जाते वक्त मैं कोस रहा था दिवाकर बैनर्जी को कि यार ये तो मसूरी में भी शूट कर लेते. लेकिन जब वहां पे हमने शूटिंग की, बाकायदा वहां समय बिताया, और वो जो एक टेक्सचर आता है, वो जो घर इन्होंने ढूंढा, वो जो ब्रिज ढूंढा है जहाँ पे फिनाले होता है, और वो कहीं ना कहीं एक जो जैसे उन्होंने कहा ना खटास या एक दर्द या कठिनाई लाए हैं फिल्म के अंदर, वही मजा है, वो सजा एक मजा है फिल्म के अंदर. एंड यू रियलाइज इट मे बी नाउ व्हेन यू डिस्टेंस योरसेल्फ, आई रियली कैन रिलेट टू व्हाई ही डिड व्हाट ही डिड. हिज प्रोसेस इज यूनिक बट द आउटकम इज फॉर यू ऑल टू सी एंड इट्स बीइंग अप्रिशिएटेड. आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट दैट. सॉरी, आई विल जस्ट ऐड वन स्मॉल थिंग वेरी क्विकली. अर्जुन ने जो बात कही भारत और इंडिया वाली, वो इतनी ब्रिलियंटली दिवाकर सर एंड वरुण ने लिखी है, बिकॉज हियर इज दिस अपर क्लास गर्ल एंड अ मिडिल क्लास गाय, एंड ये लोग फंस जाते हैं साथ में. And inki language towards each other is so subtle but so brilliant. For example, Sandy Pinky ko bolti, yaar tum log khush nahi rehte. Wo apne aap ko separate karti hai. Exactly. Wo apne aap ko separate karti hai usse. Wo dono same situation mein zindagi mein. But it doesn't matter. She still is separate from him. Tum log khush nahi hote kya? Arjun mujhe ek dusre scene mein bolta hai, yaar tum log ke liye hum log bas number hai kya? Yeah. It's a very subtle thing. It's a very something, but we look at each other as the same Indians, the same people with the same bank accounts in the same bank. But tum log aur hum log. Hum log, bilkul. Log kabhi milenge nahi. Hum log Bharat hai aur India hai. You know, that's a brilliant thing that is in the film. But Pariniti, I guess, was lucky because of the fact that she has this upbringing. And also the character she's playing, of course, I think we see more Bombay mein dekhne milte hain, Delhi mein dekhne milte hain. You get to meet them now as an actor also. You interact with, I won't say a lot of Sandeeps, but people who have traits. Even today when we interact with corporates, Divakar sir mujhe le gaye Mahipalpur mein aur mujhe realize hua ki main asli Hindustan se kitna kata hua. Mujhe Mahipalpur hi leke gaye, tab samajh gaya ki meri aukaat as an actor itni hai ki main kahin na kahin I need to dive further. And he made me meet cops, he made me spend time. And I think shooting got a bit consuming. Yeah. But the process of making Pinky, and I'm saying that, I'm trying to keep it as mild in this interview. It was consuming. Let's leave it at that. No. That's the most PG-13 word at this point of time. That was the understatement of the year. Of the last 3 years. Of the last 4 years. Yeah. I think the award for the creepiest scene in Indian cinema, okay, in a long time. उस बैंक के अंदर जाते हैं, उस मैनेजर के कमरे के अंदर जाते हैं, you know, जब उसने बेबी बम्प कहा, पहले तो ये बेबी बम्प कहना is, I didn't expect that word, you know, तो ये word, प्लीज इसके बारे में बताए. वो कुछ और भी कह सकता था कि मुझे आपका पेट देखना है, लेकिन ये वर्ड लाइक क्रीप्ड मी आउट. एंड देन ऑफ कोर्स द आइडिया ऑफ, यू नो, जैसे कि पावर शिफ्ट होता है, no other reason but क्योंकि वो एक मर्द है, वो ये कर सकता है. बाकी हर हायरार्की में परिणीति उससे ऊपर है. पहले बोले जा रहा था कि वो फिल्म जेंडर और क्लास का एक इंटरसेक्शन. तो मेरे लिए अगर मैं, पहली बात तो कोई झंडा नहीं लहरा रहा है, मतलब कोई किसी झंडे के चक्कर में हमने फिल्म नहीं लिखी, एक तो वो. दूसरा, आई थिंक द थिंग दैट वॉज रनिंग अंडर अस in both me, Varun, and you know, as we're going through it, is that somehow we equated to patriarchy to abuse of power. Yeah. Whatever it is, some kind of power. So we were just looking at it from a power, an unquestioned power angle. Yeah. So that's, I think,
the success in mine and Varun's mind, there are hundreds of flaws every film has. But we were actually talking about power, and I think somehow that clarity and honesty sort of comes through. And what the bank manager does and what he says to Sandy is a function of absolute power over Sandy. Yeah. There is no way Sandy can get out of this situation okay. Yeah. There is no way. If she lifts her shirt, she'll not be okay ever again. If she gets assaulted, she'll never be okay. Nothing can happen in a situation like this without sort of, you know, hurting Sandy. In this case, Sandy is a woman. That's fine. But Sandy could be an African-American person in the US on a highway somewhere. Yeah. Sandy could be a Dalit in some Indian city somewhere. Sandy could be a Muslim in some Indian city or in place or somewhere. And sort of, you know, Sandy in this case could be a Hindu in any place, anywhere in the country. It's a question of somebody having sort of, you know, an absolute unquestioned power over you. That's the thing that I think Varun and I feel deeply scared about. So I think all of that went into that. And I agree with you. It's really creepy. Yes. I mean, it creeps me out. But you know what's not creepy is subverting the item number. You know, so let's talk about something that's not creepy at this point. I know. You know, usually 70s ki filmon mein, aur main bahut badi fan hu, to mujhe yaad hai ki itni sari filme dekhi hain jahan par Helen ji nach rahi hai aur Amitabh Bachchan jaakar safe khol rahe hain. You know, aur is film mein aapne dekha ki Arjun Kapoor nach rahe hain aur Pariniti is doing the hacking. To ye mujhe bahut, I mean, these are my moments of joy. To bahut bahut shukriya iske liye. To Varun, is gaane ke bare mein, is idea ke bare mein pehle aap baat kare. And I'm sorry, I was supposed to go to Pari after that last question, but I'll come back to both of you. Please forgive me. Yeah, it's fine. It's not. Even I like hearing the writer and director. I would love to hear them. Shukriya. The song idea remained that there is going to be a song and there is going to be. And that was kind of the whole arc of Pinky also, that he has a very strong, I would say, androgynous side in a way. Yeah. And that was something we wanted to explore. Slowly, dhire dhire, in the second half, we see he cooks also, and then he's a dancer. Kapde bhi dhota hai, drink bhi banata hai. Chapati banata hai, chapatiya banata hai. Nahi, par wo bahut ek subtle si cheez hai. Pariniti bahar aati hai from the outhouse, aur main kapde saaf karun, aur wo she gives her clothes to me, and I make a drink for her. Jo established nahi hota ki kya diya, but actually it's a very nice touch. We had added that ab to pee sakti ho tum. Malab, he can't say it the way he would like to, but ab to pee sakti ho, he says. So it's like, have a drink. Bilkul. Jo ek perception hoti hai, hum nahi banayi hai. Dekhi, hum aisi filmen karte hai, lekin hum bhi willing actors hai, hum ghuste hai is dunia mein, taki koi tod sake. To main jab todne ki baat karta hu, I think writing level se leke making level se casting level tak, wo todne mein bahut aasani hui hai, because I think we all came together with some intent to make sure ki we don't fall into the trap of the expectation from the pairing or the actors or the whatever.